फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर। और मैं हूँ नीमा। टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे मैं आज आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ। कई बार जब हम नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं ना, हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होती है कि 10-15 वीडियो बना लूँगी और मैं वायरल हो जाऊँगी। पर जब ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम हेल्प मांगना शुरू कर देते हैं। हेल्प मांगते हैं हर उस यूट्यूबर से जो हमारी नज़र में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसके चैनल पर हज़ारों व्यूज़ आ जाते हैं। तो हम उन्हें मेल करना, कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट कर दो या हमारे चैनल को कम्युनिटी में शेयर कर दो। बट ऐसा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है, तब हमें बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये तो बड़ा यूट्यूबर हो गया ना, तो ये हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या इसके व्यूज़ आते ना इसलिए इसे नए यूट्यूबर्स की कोई फ़र्क नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्यों यूट्यूबर्स नए यूट्यूबर्स की वीडियोस को कम्युनिटी में शेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई, जानना चाहते हो ना आप, तो इस वीडियो को पूरा सुनना और समझने की कोशिश करना। आपको एक एग्जांपल देती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो एक नया यूट्यूबर एक किसी बड़े यूट्यूबर को या किसी अच्छे यूट्यूबर को मेल करता है कि सर प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कर दो, और वो उसकी वीडियो को शेयर भी कर देते हैं, कम्युनिटी में शेयर कर दे, या अपनी वीडियो में कुछ पार्ट दिखा दें कि भाई ये फलाना चैनल है, अच्छा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लो। उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छाई कर दी। पर अगर वो नया यूट्यूबर थोड़ा सा भी उल्टे दिमाग का हुआ ना, वो उन पर कर सकता है कम्युनिटी स्ट्राइक। क्योंकि क्या होता है ना, आपकी वीडियो का ज़रा सा भी पार्ट कोई दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता है। अगर उस नए यूट्यूबर की वीडियो को उन्होंने यूज़ किया है ना, तो वो उस पर क्लेम कर सकता है, और उनके चैनल पे अगर 3 स्ट्राइक आ गई ना, तो वो उनका चैनल बंद भी करवा सकता है। सोचो, आप तो अभी नया नया बनाना बैठे हो, वो बंदा वहाँ तक पहुँचा है कितनी मेहनत करके, और जब उसके चैनल के ऊपर बात आएगी ना, तो वो आपको सपोर्ट क्यों करेगा। पता होता यही है कि जब नए यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनमें से कई ऐसे दिमाग के भी होते हैं जिन्हें लगता है बस मैं क्लेम कर दूं और मैं पब्लिसिटी में आ जाऊं। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि कोई भी नए यूट्यूबर्स की वीडियो को कम्युनिटी में शेयर करना पसंद नहीं करता है। और क्यों पसंद करेगा यार, देखो हर बंदा अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचा है, तो वो भी चाहेगा कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। क्योंकि किसी की सीढ़ी बन के ना किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। वो आज आपको यहाँ तक चढ़ना सिखा देगा, तो उसके ऊपर भी तो आपने जाना है। 1000 सब्सक्राइबर कोई आपके करवा देगा कम्युनिटी में शेयर कर करके, पर 1000 पे ही बैठना है क्या? आपने कभी नहीं सोचोगे कि 1 लाख पे भी जाना है, तो वहाँ तक तो आपको खुद पहुँचना पड़ेगा ना। तो कभी भी सीढ़ियाँ मत ढूंढो, रास्ता खुद बनाओगे तो 1 लाख तक भी पहुँच जाओगे। दूसरा कारण पता है क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो हेल्प मांग रहे हो, बट ऐसा नहीं है। दिन के 100 मेल आते हैं ये बोलते हुए कि भाई मैं गांव से हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ये हूँ, मेरी शादी होने वाली है, उससे पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, 1 साल बाद मुझे घर में हेल्प करनी है, ये वो, पता नहीं 50 बहाने होते हैं उनके। हेल्प के लिए 50 बहाने हैं, बट काम करने के लिए 50 बहाने नहीं है। मतलब अगर आपने 5-7 वीडियो बना दी हैं, तो आपको लगता है कि बस अब आप वायरल हो जाने चाहिए हो। ऐसा नहीं होता ना। आप अगर इंडिया के यूट्यूब के टॉप के भी उनको देखोगे ना, क्रिएटर्स को, वो भी पहली वीडियो से वायरल नहीं होते हैं। मैं अगर मेरी बात करूँ ना, मेरी 87 नंबर की वो वीडियो थी जो मेरी वायरल हुई थी। तो क्या 87 तक मैं मेल्स कर रही थी कि बीबी की वाइंस को आज मेल करूँगी, आज अमित बडाना को मेल करूँगी, आज टेक्निकल गुरुजी का नंबर, आज टेक्निकल दोस्त का नंबर है? ऐसा नहीं होता ना। काम आपको ही करना पड़ेगा। ये जितना टाइम आप ये ईमेल करने में या मैसेज करने में या ये कहानियाँ सोचने में कि ये सिंपथी वाली कहानी लिखूंगा ना तो ज़रूर हेल्प मिल जाएगी, ये सब सोचने में लगा रहे हो ना, उतना टाइम आप अपनी वीडियो के कंटेंट में लगाओगे तो कोई ना कोई वीडियो ज़रूर वायरल होगी। कहती हूँ ये वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया है, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है, थोड़ी सी भी आपकी टेंशन कम हुई है ना कि पहली दूसरी वीडियो किसी की भी वायरल नहीं होती, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, शेयर ज़रूर करोगे हर उस इंसान के साथ जो नया नया यूट्यूबर बन रहा है और सोचता है मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आते। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।